हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सो यार आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, कुछ इस तरह का पोस्टर अगर होली के लिए क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, तभी आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ पाएगा। और यहाँ पे जो भी आप फोटो देख पा रहे हो, इस फोटो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, अपनी फोटो और यहाँ पे अपना नाम जैसे आप इसमें ऐड करोगे और भाई आपका पोस्टर यहाँ पे कंप्लीट पूरा तैयार हो जाएगा। पर इसको आप डाउनलोड ऐसे आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर आपको 4 पासवर्ड ऐड करना होगा। वो पासवर्ड मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो अगर आप पूरा कंप्लीट वॉच करोगे तो आपको 4 अंकों में 4 जगह पे आपको पासवर्ड मिल जाएंगे। तो गाइस, उनका यूज करके आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जाने के बाद वहाँ पे अपनी फोटो और अपना यहाँ पे नाम ऐड करने के बाद आप अपना पोस्टर क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्टर क्रिएट करना सिखा देता हूँ, उसके बाद में इस फोटो मतलब यहाँ पे जो बैकग्राउंड में मैं आपको फोटो दूंगा उसको डाउनलोड करना सिखा दूंगा। तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो। आज का लाइक हम रखते हैं ओनली 400। मुझे उम्मीद आप इसको जरूर पूरा करवा दोगे। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले पिक्सल लैब एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख पा रही हो, ये पोस्टर आपने देख पा रही हो, मैंने इसको क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो टेक्स्ट आ रहा है इसको यहाँ से डिलीट कर देना होगा। उसके बाद में आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे साइड में देख पा रही हो, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 3 डॉट पे जाना होगा। यहाँ तो यहाँ पे मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे उस बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जो मैं आपको देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो उसको मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से इसी तरीके से यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो इसी तरीके से मैं इसको ऐड कर लिया हूँ और आपको भी यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं राइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपका पोस्टर जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइज, अब आपको यहाँ पे अपनी फोटो को ऐड करना होगा, वो फोटो होनी चाहिए PNG फोटो। तो सबसे पहले मैं फोटो को ऐड करना बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस क्या करना, आपको जाना होगा यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से जो फोटो आपकी होगी उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं मोदी जी की फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइज ये फोटो देख पा रही हूँ, ये फोटो है PNG फोटो, मतलब इसका बैकग्राउंड को ऑलरेडी रिमूव किया गया है। तो गाइज, यहाँ पे आपको PNG फोटो नहीं बनानी आती है तो आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिलेगा हाउ टू मेक PNG फोटो के नाम से एक लिंक। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक पूरा वीडियो मिल जाएगा जो आपके भाई ने क्रिएट किया, मतलब आपके भाई ने वहाँ पे अपलोड किया है। तो गाइज, उस वीडियो को देखने के बाद आप एक पूरा कंप्लीट तरीके से PNG फोटो बना सकते हो, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। मैं आपको 2 सेकंड में अपनी PNG फोटो बनाना सिखाया हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं गूगल से फोटो को PNG क्रिएट करता हूँ। तो गाइज, उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। तो यहाँ पे देख पा रही हो, अपनी जो भी फोटो आएगी उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे अपनी फोटो को जूम आउट करके यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे रख लेना होगा, जैसे मैं मोदी जी की फोटो को मैंने यहाँ पे रखा है। तो गाइज, कुछ इसी तरीके से आपको रखने के बाद यहाँ पे अपने नाम को ऐड करना। तो गाइज, यहाँ पे नाम ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा ऊपर यहाँ पे प्लस के आइकन पे और यहाँ पे टेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पे जो टेक्स्ट देख पा रहे हो इस पर आपको डबल टैप करना होगा। तो यहाँ पे डबल टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट को कट करने के बाद आपको अपना नाम डालना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मिस्टर मोदी, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से नाम डाल देना होगा, वो भी अपना नाम डालना होगा। यहाँ पे मोदी जी का नाम मत डाल देना। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा, फिर से आपको यहाँ पे इसको जूम करके यहाँ पे साइड में लेके आना होगा। यहाँ पे लेके आने के बाद आपको यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे साइड में आना होगा और यहाँ पे फर्स्ट में मिलेगा आपको कलर। तो कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे व्हाइट वाला कलर को यहाँ पे ऐड करना चाहते हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे फिर से आगे आपको चलते रहना है, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा फॉन्ट। फॉन्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इस वाले फॉन्ट को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा और भाई फिर से आपको आगे बढ़ते रहना है। कुछ बोलते ना कि आगे बढ़ते रहो, तो कुछ इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पे आपको स्टाइलिश पे आपको जाना होगा, स्टाइल पे आपको क्लिक करना होगा। इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा ताकि आपके यहाँ पे नाम के नीचे कुछ इसी तरीके से यहाँ पे जो लाइन आ रही है वो यहाँ पे ऐड हो सके। उसके बाद में आपको राइट पे क्लिक कर देना होगा और फिर से आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको इनेबल करना होगा और यहाँ पे कलर आपको रेड वाला सेलेक्ट कर देना होगा। और उसके बाद में आपको लास्ट यहाँ पे नीचे आना होगा, कुछ इस तरीके से आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे कर लेना होगा। तो मैं इसको यहाँ पे 20 या फिर 24% पे कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको इसको राइट कर देना होगा। इस तरीके से करने के बाद फिर से आपके भाई ने बोला कि आगे बढ़ते रहो तो यहाँ पे आपको स्ट्रोक पे क्लिक कर देना होगा। तो गाइस, यहाँ पे इसका
जरूर ध्यान रखना होगा, इसको आपको यहाँ जरूर यहाँ पे इनेबल करना होगा। उसके बाद में आपको इसको करना क्या होगा, यहाँ पे कलर आपको ब्लैक वाला यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और इसको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना होगा। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका नाम काफ़ी यहाँ पे कमाल का बन चुका है और आपको राइट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे स्ट्रोक के आगे जो शेडो आपको दिखाई दे रहा है इसको भी आपको सिंपल यहाँ पे इनेबल कर देना होगा ताकि आपका यहाँ पे शेडो सा लग सके। इसको नाम को जूम कर लेना होगा और यहाँ पे आपका पोस्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो भाई आपको बस इतना सा टाइम लगा है, तो यहाँ पे आपका पोस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एन इमेज पे क्लिक कर देना होगा ताकि आपकी फ़ोटो यहाँ पे गैलरी में सेव हो सके। तो गाइज कुछ इसी तरीके से आपको पोस्टर को क्रिएट कर लेना होगा। अब आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड में पोस्टर दिया था उसको डाउनलोड कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। इसका नाम है RAR, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ पर सिंपल सर्च करना होगा RAR, या आपको 1 MB से कम की मिल जाएगी। इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में आपको बिल्कुल इजी तरीके से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप मेरा एक वीडियो देख पा रही हो, यूट्यूब पे जो वीडियो देख पा रही हो उसके टाइटल पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको फोटो डाउनलोड लिंक, तो इस पर आपको जैसे क्लिक किया आपने ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी क्रोम ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे आपको जो जिप फाइल आ रही है वो यहाँ पे डाउनलोड पे लग जाएगी। तो गाइज यहाँ पे देख पा रहे जिप फाइल, इस पर आपको जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएगी। अब इसके लॉक को आपको कैसे ओपन करना होगा वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा 3 डॉट पे और आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा डाउनलोड के ऑप्शन पे। यहाँ पे जैसे देख पा रहे होगे आप यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, तो गाइज यहाँ पे देख पा रहे हो आपकी यहाँ पे डाउनलोड होके कम्प्लीट हो चुकी है और आपको इस पर क्लिक करना होगा। और आपने जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है RAR इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो गाइज इसको सबसे पहले डाउनलोड जरूर कर लीजिए एप्लीकेशन को RAR वाले नाम से। इसको डाउनलोड करने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करोगे फर्स्ट वाले पे और यहाँ पे देख पा रहे हो पासवर्ड के लिए बोला जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपने वीडियो के अंदर देखे होंगे उसको यहाँ पे आपको इस पर डाल देना होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने पासवर्ड को एंटर किया ओके पे क्लिक किया और गाइज यहाँ पे देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो चुकी है और यहाँ पे जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन ऊपरी ऊपर आ रही है इसका नाम यहाँ पे आ चुका है, गैलरी आ रही है और यहाँ पे जो एक्जेंडर आ रहा है। तो गाइज आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे ओके करने के बाद आपको जस्ट 1 पे यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे अलाउ करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर आ चुकी है, इसको आपको राइट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में जो मैंने आपको आगे प्रोसेस बताई है कि आपको फोटो को कैसे ऐड करना होगा और यहाँ पे अपने नाम को कैसे यहाँ पे डालना होगा, तो गाइज कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे इस पोस्टर को क्रिएट कर लेना होगा। बस यार इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ यार। आपसे रिक्वेस्ट है, आपका भाई बहुत ही मेहनत कर आपके लिए पोस्टर क्रिएट कर रहा है, तो गाइज एक लाइक तो बनता है। बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।